Hi, I hope you're doing awesome. So the question we are seeing today is third question of LeetCode Biweekly 40. That is design front, middle and back queue. तो हमको क्या करना है इसमें क्यू इम्प्लीमेंट करनी है हमको जिसके अंदर क्या होना चाहिए आप फ्रंट से भी पुश कर सको फ्रंट से भी सॉरी बैक से भी पुश कर सको फ्रंट से रिमूव बैक से रिमूव और साथ ही साथ मिडल से पुश और मिडल से रिमूव भी कर सको राइट तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक क्यू है जिसके अंदर आप वन पुश करना चाहते हो फ्रंट से तो ऐसा हो जाना चाहिए टू पुश करना चाहते हो आप एंड से तो ऐसे और अगर आप चाहते हो कि थ्री पुश कर दूँ मैं मिडल में तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए राइट अब आप चाहते हो कि थ्री मिडल से पॉप हो जाए तो फिर आपके पास ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए तो काफ़ी ही साधारण क्वेश्चन है बाकी देखते हैं क्या सोल्यूशन बनेगा इसका ठीक है यार तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखें देखना जैसे फ्रंट मिडल बैक क्यू ये हमको क्या करते हैं इनिशियलाइज कर देता है क्यू को push front will actually push the element from the front, push back from the back, push middle तो बीच में element डाल देगा वो और same उसी के लिए pop के functions हैं तो यही हमको करना है या तो push middle नहीं ये pop back, pop front और pop middle ये तीन functions right total इतने functions हमको implement करने हैं तो देखते हैं हम क्या करेंगे हम linked list class का use करने वाले हैं हम linked list का use करने वाले हैं और जैसे अगर मेरे पास push front आता है तो मैं लिंक्ड लिस्ट के जीरोथ इंडेक्स पर वो वैल्यू ऐड कर दूंगा अगर मेरे पास पुश बैक आता है तो मैं लिंक्ड लिस्ट के लास्ट में वो वैल्यू ऐड कर दूंगा और अगर मेरे पास पुश मिडल आता है तो लिंक्ड लिस्ट के साइज बाय टू दैट इज टू बाय टू दैट इज वन मैं वन पर वनथ इंडेक्स पर क्या ऐड कर दूंगा जो भी मेरी वैल्यू है तो जैसे अगर थ्री होती मेरी वैल्यू तो वन पर मतलब जीरोथ इंडेक्स पर वन आएगा फिर वनथ इंडेक्स पर थ्री आएगा और फिर जो ये टू है इसकी शिफ्टिंग होगी वो आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट तो इस तरह से मैं कुछ करने वाला हूँ तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है हम क्या करेंगे देखना हम एक लिंक्ड लिस्ट बना लेते हैं लिंक्ड लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप इसका नाम हम लिस्ट रख देते हैं ठीक है जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लिस्ट को इनिशियलाइज कर देंगे लिस्ट इक्वल्स न्यू ठीक है या फिर लिस्ट का नाम है ना एक्चुअली क्यू रखते हैं क्योंकि हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका नाम क्यू रख लेते हैं ठीक है अगर मेरे को पुश फ्रंट करना है तो मैं क्या करूँगा क्यू डॉट ऐड जो लिंक्ड लिस्ट का ऐड फंक्शन होता है वो पहला आर्ग्यूमेंट लेता है इंडेक्स और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है वैल्यू दैट इज वैल्यू अगर मेरे को पुश मिडल करना है तो मैं क्या करूँगा क्यू डॉट ऐड क्यू डॉट साइज बाय टू कॉमा वैल्यू सिंपल मतलब क्यू डॉट साइज बाई टू इस इंडेक्स पर जाके वैल्यू को ऐड कर दो तो मिडिल में ऐड हो जाएगा अगर मेरे को पुश बैक करना है तो फिर मैं क्या करूँगा क्यू डॉट ऐड वैल्यू अगर मैं सिर्फ वैल्यू पास करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा डिफॉल्ट इंडेक्स है मतलब डिफॉल्ट वो कहाँ पर जाकर ऐड कर देगा जो मेरी लिस्ट है उसके राइट मोस्ट पार्ट में मतलब एकदम लास्ट में तो डिफॉल्ट जो होता है वो लास्ट में ऐड करता है अगर आपको कहीं पर मिडल या फ्रंट में ऐड करना है तो आपको इस तरह से इंडेक्स देना पड़ेगा ठीक है यार पॉप फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो अब मेरे दो केस हो सकते हैं कि या तो मेरी लिस्ट एम्प्टी होगी या फिर वो एक नॉन एम्प्टी लिस्ट होगी तो रिटर्न अगर क्यू डॉट इज एम्प्टी है मतलब मेरी क्यू जो है वो खाली है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा माइनस वन वरना मैं क्या रिटर्न कर दूंगा वरना मैं रिटर्न कर दूंगा क्यू डॉट रिमूव मतलब अगर मैं पॉप कर रहा हूँ तो मेरे को रिमूव भी करना है कौन से इंडेक्स पर जीरोथ इंडेक्स पर मतलब जो जीरोथ इंडेक्स पर वैल्यू है उसको रिमूव भी कर दो और उसको रिटर्न भी कर दो क्यों क्योंकि मैं पॉप से फ्रंट सॉरी फ्रंट से पॉप कर रहा हूँ वहीं अगर मेरे को मिडल से पॉप करना होता तो मैं क्या करता देखना ये सेम आएगा लेकिन जो इंडेक्स की वैल्यू है ज़ीरो की जगह वो बदल जाएगी राइट मिडल की अगर मैं बात करूँगा ठीक है तो ज़ीरो की जगह देखना क्या आएगा ज़ीरो की जगह आएगा q डॉट साइज माइनस वन साइज बाय टू ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि q डॉट साइज माइनस वन बाय टू देखना यहां पर अगर मैं बात करूं और मेरे को ये थ्री चाहिए होगा मतलब अगर मैं पॉप मिडल कॉल करता हूं पॉप मिडल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को थ्री अपना आंसर चाहिए होगा तो थ्री अभी कौन से इंडेक्स पर इम्प्लीमेंटेड है या फिर कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है तो वन पे प्रेजेंट है ना तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर जो मेरे टोटल क्यू की साइज़ है यहाँ पर क्यू का साइज़ है थ्री है ना
3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब आप बोलेंगे कि अगर सर आप 3 बाई 2 कर लेते तो 1.5 आता और इंडेक्स की टर्म्स में वो इवेंचुअली 1 ही बन जाता, तो फिर क्या ही हो गया इससे। पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर है ना, मेरा जो लिस्ट का साइज़ है अगर वो ऐसा होता, मतलब यहाँ पर 7 होता, और अब अगर मेरे को मिडिल कॉल करना होता तो मेरे को ना 3 चाहिए, मिडिल में मेरे को 3 चाहिए, तो अब लेकिन मेरा जो रिटर्न होने वाला नोड होता वो क्या बन जाता, 4/2 दैट इज 2 राइट। पर मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, 4 - 1/2 जो कि अब 1.5 बनेगा, जो कि अपने आप को 1 के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, क्यू डॉट साइज -1/2 को हम रिटर्न करेंगे। पॉप बैक की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न क्यू डॉट रिमूव, और एग्जैक्टली सेम लाइन हमको कॉपी कर देनी चाहिए थी वैसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंडेक्स क्या पास करूँगा, क्यू डॉट साइज -1 राइट, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वही है, ठीक है। तो रन करके देख लेते हैं एक बार, कंपाइलेशन एरर है कुछ और सेमी कोलन मिसिंग है, ठीक है तो रन हो रहा है और मेरे ख्याल से सेम आउटपुट भी है, सबमिट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो इट्स गेटिंग सबमिटेड। आई होप यू लाइक द वीडियो, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पेप कोडिंग को। थैंक यू वेरी मच।